नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, हम आर के राजपूत बुक्स के डीसी मोटर चैप्टर को कवर कर रहे हैं और हमने पार्ट ए में कुल 62 क्वेश्चन कवर किए हैं और इसका आज पार्ट टू है। तो दोस्तों, शुरू करने से हम पहले आपको बता दें कि यह वीडियो क्विक रिविज़न पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिससे कि आप जल्दी से किसी चैप्टर को रिविज़न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत अधिक फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। विच डी सी मोटर इज़ जनरली प्रीफर्ड फॉर क्रेन एंड हाइस्ट। इनमें से कौन सा मोटर जो होता है क्रेन और हाइस्ट के लिए क्या होता है दोस्तों, सुटेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्रेन और हाइस्ट के लिए सीरीज करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज का जो स्टार्टिंग टार्क होता है अधिक होता है और क्रेन और हाइस्ट का भी स्टार्टिंग टार्क अधिक होना चाहिए, उसके लिए चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्री पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज फॉर। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं थ्री पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज किया सकता है। तो थ्री पॉइंट स्टार्टर आप संट मोटर या कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो संट और कंपाउंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, स्पार्किंग इज डिस्करेज इन अ डी सी मोटर बिकॉज। कह रहे हैं दोस्तों, स्पार्किंग जो होता है डिस्करेज करता है, यानी जो स्पार्किंग होता है डी सी मोटर में उसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो डी सी मोटर होता है उससे नुकसान क्या होते हैं, अगर स्पार्किंग हो रहा है तो जो हमारा कम्यूटेटर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पीड कंट्रोल बाय वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन। कर दोस्तों, जो वार्ड लियोनार्ड मेथड से जो हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं तो वो एक जो है यूनिफॉर्म एक समान स्पीड देता है, वेरिएशन तो किस दिशा में देगा, वो एक दिशा में देगा या दोनों दिशा में देगा। तो दोस्तों, वो दोनों दिशा में स्पीड को क्या करता है, आपको वेरिएशन देता है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि बोथ इन बोथ डायरेक्शन, वो जो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग बोथ डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं दोस्तों, आपको बता दें थोड़ा सा हम, कि देखिए यहाँ से ये और ये, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये मोटर होता है और ये होता है जनरेटर, और ये होता है जिसको हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, ये दूसरा मोटर। तो इसका जो टर्मिनल होता है इससे कनेक्ट रहता है और इस मोटर का जो मैकेनिकल है, यहाँ से मैकेनिकल कपलिंग इससे रहती है। तो हम लोग अगर इसके कंट्रोल को चेंज करना चाहें इसकी फील्ड को, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को चेंज कर दे तो भी इसका जो स्पीड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या इसके आर्मेचर टर्मिनल को हम लोग चेंज कर दें तो भी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग इसका फील्ड रहता है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, फ्लाई व्हील इज़ यूज्ड विथ डी सी कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस द पीक डिमांड बाई द मोटर कंपाउंड मोटर विल हैव टू बी। कह रहे दोस्तों, जो हम लोग फ्लाई व्हील यूज करते हैं किस कंपाउंड मोटर में यूज करते हैं और पीक डिमांड जो मैक्स अधिकतम लोड के लिए यूज करते हैं, तो इसमें जो पहले देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, तो जो आपका जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील देखिए कुछ इस तरह से होता है। फ्लाई व्हील का काम क्या है पहले उसको समझ लीजिए। जो फ्लाई व्हील करता क्या है कि यदि हमारा जैसे कभी मोटर किसी झटका देकर चल रही है तो कभी तेज़ कभी धीमी चल रही, तो करता क्या है मोटर कि जब फ्लाई व्हील रहता है वो जब हमारी स्पीड अधिक रहती है तो फ्लाई व्हील जो हमारी एनर्जी रहती है उसको स्टोर कर लेता है, फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर कर लेता है। लेकिन जैसे ही जब मोटर की स्पीड कम होती है तो वो क्या करता है, फ्लाई व्हील अपनी एनर्जी को उसको वापस दे देता है, तो जिससे क्या होता है हमारी एक समान स्पीड प्राप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। कर दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मोटर जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क और वाइड स्पीड रेंज के लिए रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है। दोस्तों, आप जानते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, डीसी मोटर का होता है, और इसका जो टॉर्क होता है वो भी हाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, इन अ डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर इफ संट फील्ड सडनली ओपन्स। करो दोस्तों, जो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर है उसके संट फील्ड को अगर आप अचानक ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें हम पहले, कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है तो उसका जो आर्मेचर फील्ड होता है, आर्मेचर फील्ड होता है और जो ये होता है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है, चेंज रहता है, यानी रिवर्स होते हैं। जैसे अगर एक में डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, दूसरे में क्या हो रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो इस केस में होता क्या है दोस्तों, कि अगर हम लोग इसकी फील्ड वाइंडिंग को अगर ओपन कर दें तो क्या होगा, पहले मोटर जिस डायरेक्शन में रुक रही थी, चल रही थी, वहाँ पर रुकेगी, फिर उसके बाद उस आर्मेचर वाले जो इस फील्ड के प्रभावी जो कारण रहेगा इसके कारण मूव करेगी। तो जो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, द मोटर विल फर्स्ट स्टॉप एंड देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन एज सीरीज मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द पोरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। दोस्तों, स्पीड रेगुलेशन सबसे कम किसका होता है, तो आप जानते हैं सीरीज मोटर का होता है, ठीक है। नो लोड पर स्पीड इसकी बहुत हाई रहती है और लोड करने पर स्पीड क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बसेस ट्रेन ट्रॉलीज हाइस्ट क्रेन्स रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड देर फॉर मेक यूज़। कर दोस्तों, इसमें से जो हाइस्ट बसेस होते हैं और ट्रेन्स ट्रॉली हाइस्ट क्रेन्स, तो इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, इसमें कौन सा मोटर यूज करेंगे, तो सीरीज बात भैया सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन, एज द लोड इज इंक्रीज्ड
द स्पीड ऑफ डिसेंट मोटर विल, करे दोस्तों अगर हम लोड को बढ़ा दें तो जो डिसेंट मोटर की जो स्पीड है वो क्या होगी, तो डिसेंट मोटर की जो स्पीड होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आपको स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ याद है तो आपको ये पता होगा कि नो लोड पर ऐसे होता था, तो लोड पर इसमें थोड़ा सा ऐसे हो जाता था, हल्का सा ऐसे होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है द आर्मेचर टॉर्क ऑफ अ डिसेंट मोटर इज पोर्टेबल प्रोपोर्शनल टू, सॉरी हाँ कर दो, आर्मेचर टॉर्क ऑफ डीसी मोटर मोटर इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, तो जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो केवल होता है आर्मेचर करंट के, कैसे दोस्तों आप जानते हैं टी ए इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई आई ए होता है, और आर्मेचर जो संट मोटर होता है, संट मोटर के लिए जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो टी प्रोपोर्शनल मिलेगा केवल आई ए के प्रोपोर्शनल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन Which of the following method of speed control of DC machine will offer minimum efficiency? कह रहा दोस्तों इसमें से कौन सा मेथड जो स्पीड कंट्रोल करने की कौन सी मेथड है जिसके कारण मिनिमम इफिशियंसी हो जाती है, तो दोस्तों आप जानते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होता है इसके कारण इफिशियंसी बहुत ही कम होती है, क्यों, क्योंकि जब आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस में पावर को लॉस कराते हैं। ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस को पावर लॉस कराते हैं जिसके कारण इफिशियंसी क्या होती है उसकी, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन यूजुअली वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज डिजायर्ड इन केस ऑफ, कर दोस्तों जो विस्तृत जो है वाइड स्पीड रेंज और जो है सेंसिटिव स्पीड के लिए इसमें से कौन सा मशीन का यूज करेंगे, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें करते हैं, तो हम लोग देखिए इसमें सबसे अधिक स्पीड जो कंट्रोल की जरूरत होती है वो कोलेरी वाइंडिंग में होती है, किसमें होती है, कोलेरी वाइंडर्स। आप कहेंगे सर कोलेरी वाइंडर्स क्या होते हैं, तो जो कोल होते हैं जो खद्यान होते हैं दोस्तों, खद्यान का जो एक हाउस होता है उस हाउस में जो है खद्यान के बाहर एक हाउस होता है, उस हाउस से उस पूरे खद्यान के मोटर को क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोलेरी वाइंडर्स कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कोलेरी वाइंडर्स। तो वहां पर हमें स्पीड की बहुत सेंसिटिव स्पीड की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ मोटर फॉल्स फ्रॉम 1100 RPM टू एट नो लोड एंड 1050 RPM एट रेटेड लोड द स्पीड रेगुलेशन ऑफ द मोटर इज, कर दोस्तों एक मोटर है जो कि स्पीड जो नो लोड पर स्पीड है उसकी आपकी जो है 1100 है और लोड पर स्पीड कितनी हो जा रही है दोस्तों, उसको 1050 हो जा रही है, तो आपको बताना है कि स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। दोस्तों हम फार्मूला को बता देते हैं क्या होता है, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड। ठीक है दोस्तों, अपन फुल लोड स्पीड, ठीक है, तो यही होता है दोस्तों, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड इनटू 100, इसमें मान रख दीजिए तुरंत आ जाएगा। तो नो लोड पर कितना है दोस्तों, 1100 है, नो लोड पर है 1100 है, और माइनस क्या है, नो लोड पर कितना है दोस्तों, 1150 है, और डिवाइड कर दीजिए कितने से, 1100 से डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो आएगा आपका 4.76 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर प्रोवाइड्स, कर दोस्तों आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है प्रोवाइड करता है किसके लिए, क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, वो कार कॉन्स्टेंट टार्क ड्राइव को प्रोवाइड करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ डीसी मोटर इज, कर दोस्तों जो डीसी मोटर होता है उसका स्पीड रेगुलेशन कैसा होता है, तो स्पीड रेगुलेशन अभी फार्मूला बताया ना आपको, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड, ठीक है, और यहाँ पर 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन एज देर इज नो बैक EMF एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग अ डीसी मोटर इज ऑर्डर टू प्रिवेंट अ हैवी करेंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर सर्किट, कह रहा दोस्तों कि अगर हम लोग जब डीसी कोई मोटर है उसमें कोई बैक EMF नहीं है, शून्य है स्टार्टिंग में, तो हम लोग उसमें जो डीसी मोटर स्टार्ट करते हैं उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब स्टार्टिंग उसमें क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो हम लोग करते हैं क्या है कि स्टार्टिंग में उसके आर्मेचर में एक क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि उससे जो करंट है आर्मेचर करंट हो क्या हो रहे हैं, लिमिट हो सके। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ए, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद आर्मेचर। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ डीसी संट मोटर कैन बी इंक्रीज, करो दोस्तों जो स्पीड डीसी संट मोटर की जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों, फाई, अगर हम लोग फाई को कम कर दें, फाई या फिर उसकी फील्ड फ्लिक्स को कम कर दें तो स्पीड क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको कम करने के लिए इसकी फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इंक्रीजिंग द फील्ड इन द सर्किट, तो सर्किट फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ा दे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इफ़ आई ए बी द आर्मेचर करेंट एंड द
एंड देन स्पीड ऑफ द डिसेंट मोटर इज। तो दोस्तों जो डिसेंट मोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, आर्मेचर करंट से इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है दोस्तों, इंडिपेंडेंट होती है। आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंट कैसे होती है, तो हमने आपको बताया ना कि एन क्या होता है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो इसमें क्या होता है, इससे एफ पर डिपेंड करेगा और स्पीड पर होगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर कहीं बाहर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इन केस द बैक ईएमएफ एंड द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी डबल्ड द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर विल बी। करा दोस्तों, किसी मोटर का जो बैक ईएमएफ को डबल कर दिया जाए और उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए, जो टॉर्क डेवलप है वो क्या होगा। तो हमने पहले आपको फार्मूला बताया दोस्तों, टॉर्क डेवलप का फार्मूला क्या होता है, टी ए इज इक्वल्स टू ई बी इंटू आई ए अपान होता है दोस्तों, ओमेगा का मान होता है 2πfn या 2πn कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या है, बैक ई एम एफ ई बी है और n है, तो देखिए यानी हम लोग कह सकते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन n। तो हमने जब दोस्तों दोनों को डबल कर दिया तो उसकी टॉर्क में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो इस क्या रहेगा दोस्तों, वो नो चेंज रहेगा, यानी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग एंड द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग When a DC motor is put on supply, it behaves like। दोस्तों कह रहा है कि जब हम लोग स्टैंड स्टार्टिंग में जो होता है, जो DC motor होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो स्टार्टिंग में DC motor किसकी तरह बिहेव करता है, लो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ DC motor कैन बी वेरीड बाई। कह रहे दोस्तों डीसी मोटर की स्पीड कैसे वेरी कर सकते हैं, तो दोस्तों जानते हैं उसके लिए क्या करते हैं, फील्ड करंट के द्वारा कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस इन सीरीज आर्मेचर की कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर। कह रहे दोस्तों इसमें से कौन सा जो है डिसएडवांटेज, कौन से इसमें से जो एडवांटेज नहीं है डीसी मोटर का दोस्तों एसी मोटर की तुलना में। तो दोस्तों इसमें लो कॉस्ट जो है एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो डीसी मोटर होता है उसका पहली बात लो कॉस्ट होता ही नहीं, उसका कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, हाई होता है। उसका कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, हाई होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 86 नंबर, फॉर अ डीसी संट मोटर इफ़ द एक्साइटेशन इज चेंज्ड। करें दोस्तों डीसी संट मोटर का जब एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बी, कि उसका टॉर्क तो चेंज होगा लेकिन जो उसकी स्पीड उसका जो कांस्टेंट है पावर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर टॉर्क कैसे चेंज होता, तो हमने आपको बताया ना कि टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क चेंज होगा ही, स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच मोटर हैज़ द पुरेस्ट स्पीड कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा जो मोटर है पुरेस्ट स्पीड कंट्रोल करता है, तो पुरेस्ट स्पीड कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, वो सीरीज मोटर करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द प्लगिंग गिव्स, प्लगिंग क्या होता है दोस्तों, कह रहा है प्लगिंग एक ब्रेकिंग है, तो दोस्तों प्लगिंग क्या करता है, तो प्लगिंग से हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। तो अब प्लगिंग होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारी कोई मोटर चल रही है तो हम लोग करते क्या है कि अगर हमारे पास आर्मेचर है और एक फील्ड दो होते हैं, तो अगर हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग आर्मेचर या फील्ड के में किसी में एक में भी करंट का अगर डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, रिवर्स हो जाती है। तो अगर ऐसे मोटर चल रही है, अगर हम लोग एकाएक उसमें क्या कर दें कि उसकी स्पीड या तो आर्मेचर को या तो फील्ड वाइंडिंग को उसकी जो करंट है उसको रिवर्स कर दें, तो मोटर क्या हो जाएगी दोस्तों, इंस्टेंट रुक जाएगी। तो वही कर दोस्तों, कौन सा हाई स्टार्टिंग टॉर्क करता, तो यही प्लगिंग होता है, और इसमें करता कौन है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लगिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर प्रोवाइड्स। करें दोस्तों जो आर्मेचर वोल्टेज और डीसी मोटर में जो कंट्रोल करते हैं वो क्या प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों हम आपको बताया ना, आर्मेचर वोल्टेज यानी कांस्टेंट टॉर्क मेथड। ठीक है, यानी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा सी, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन, इफ अ डीसी मोटर डिजाइंड फॉर 40 डिग्री एम्बियंट टेम्परेचर इज टू बी यूज्ड फॉर 50 डिग्री एम्बियंट टेम्परेचर देन द मोटर विल। खर दोस्तों एक मोटर को डिजाइन किया गया है वो 40 डिग्री टेम्परेचर पर डिजाइन किया गया है, लेकिन उसे हम लोग 50 डिग्री टेम्परेचर पर यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब उसकी अगर हम लोग 40 डिग्री मोटर को डिजाइन किया, अगर उसको हम लोग 50 डिग्री के टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में अगर हम लोग यूज करना चाहें तो उसकी जो इफिशियंसी क्या दोस्तों, कम हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डीरेट हो जाएगा। वही देखिए ऑप्शन में से बोल रहा है, इज टू बी डीरेट बाई द
फैक्टर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड सिलेक्ट नेक्स्ट हायर एचपी। अगर उस केस में अगर हम लोग को यूज करना होगा दोस्तों तो उसकी जितने हम लोग एचपी थे उसकी हायर एचपी से यूज करना पड़ेगा, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आप उसको यूज करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन, इफ द टर्मिनल ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इंटरचेंज्ड, दिस एक्शन विल ऑफर काइंड ऑफ ब्रेकिंग। कर दोस्तों यदि हम लोग आर्मेचर जो डीसी मोटर का आर्मेचर टर्मिनल है अगर उसको हम लोग इंटरचेंज कर दे आपस में बदल दे तो इस एक्शन को क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहें, प्लगिंग होता है, तो हमने कहा था ना कि या तो फील्ड को बदलिए या तो आर्मेचर को बदलिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लगिंग हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर वन विल चूज टू ड्राइव द रोटरी कंप्रेसर। दोस्तों रोटरी कंप्रेसर में किसका यूज करते हैं, दोस्तों रोटरी कंप्रेसर में हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ अ डीसी संट मोटर इज इंक्रीज्ड द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर विल बी। करा दोस्तों अगर हम लोग डीसी संट मोटर का अगर हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर दें तो जो उसका ईएमएफ है वो क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया अभी कि ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन होता है, तो अगर हम लोग उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो बैक ईएमएफ ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, वाई आर द डीसी मोटर प्रिफर्ड फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशंस। करा दोस्तों जो डीसी मोटर होता है वो ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए क्यों यूज करते हैं, तो हम आपको बता दें दोस्तों डीसी जब ट्रैक्शन की बात करेगा तो आपके दिमाग में बस एक ही मोटर आना चाहिए, सीरीज मोटर आना चाहिए, ठीक है, केवल क्या आना चाहिए दोस्तों, सीरीज मोटर आना चाहिए, यही आपका होता भी है तो इसी के दिमाग ध्यान दीजिएगा। तो जो सीरीज मोटर का जो टार्क होता है दोस्तों टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर के, ठीक है, और स्पीड क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है उसकी वन अपॉन आई ए यानी फाई। आर्मेचर की क्या होती है दोस्तों, आर्मेचर करंट की क्या होती है दोस्तों, रेसिप्रोकल इनवर्सली होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैव ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर देयर फुल लोड रेंज। कर दोस्तों इसमें से कौन सा मोटर है जो कि फुल लोड पर भी कॉन्स्टेंट स्पीड को देता है, तो देखिए दोस्तों कौन देता है, संट देता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल संट इसमें हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संट भी होता है और इसमें कुछ और देखिए ऑप्शन दिया है कि लो रेजिस्टेंस स्क्वायरल केज मोटर, बिल्कुल दोस्तों जो स्क्वायरल केज मोटर होता है वो भी कॉन्स्टेंट स्पीड देता है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ई वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूजुअली यूज्ड इन अ हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। कहें दोस्तों हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। दोस्तों इसको एकदम याद रखिएगा, हाउस होल्ड यानी जो घर में जो हम लोग जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 96-97 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइसेस एंड मैनी काइंड ऑफ टाइमर्स। करो दोस्तों इसमें जो आप सिग्नल और टाइमर्स के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो इसमें याद रखिए दोस्तों रिलक्टेंस मोटर का यूज किया जाता है, सदैव कहा किसका यूज किया जाता है, रिलक्टेंस मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। दोस्तों किस मोटर को नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो सीरीज मोटर को नो लोड पर कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नो लोड पर स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगा, और उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके जो वायर मेचर वाइंडिंग है वो भी खराब होने की संभावना है बहुत अधिक रहती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल इज बेसिकली, देखिए दोस्तों कह रहा है वाट लियोनार्ड जो मेथड है स्पीड कंट्रोल करने की वो क्या है, दोस्तों क्या है वो, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। क्या है वो, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। हमने क्यों क्या बताया भी आपको बताना, उसमें आर्मेचर वोल्टेज को वोल्टता देते हैं और उससे हम लोग उसकी वोल्टेज तक क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, फॉर कॉन्स्टेंट टॉर्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रीफर्ड। कह रहा कॉन्स्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए हम वही वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अगला क्वेश्चन, इन वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ स्पीड इज इम्पोज बाय। करो दोस्तों वार्ड लियोनार्ड मेथड में जो हम लोग लोअर लिमिट है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के द्वारा जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर। अगला क्वेश्चन है,
द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड इज, कर दोस्तों जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है उसका जो डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो दोस्तों उसका हाई इनिशियल कॉस्ट हाई होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है, और उसकी इफिशियंसी क्या होती है दोस्तों, जो कम लोड के लिए उसकी इफिशियंसी होती है वो बहुत हाई हो जाती है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव फंक्शन सही हो जाएगा, यानी डी। चलिए दोस्तों, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हम आपको और सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।